देखिए ये एक टेबल है और इस टेबल में ऊपर जब ये जो आफ्टर रिजल्ट बटन ये ऊपर की जो टेबल है उसमें लिखित रूप में लिखा है कि फोर्थ जून 24 और उसके नीचे लिखा है टाइम सो फोर्थ जून 24 टाइम इफ द इफ द मशीन इज ओपन एट दैट टाइम इट विल रिफ्लेक्ट दैट टाइम राइट

तो अगर उसमें कोई अंतर हो कि पहले कोई वक्त दिखाए तो निश्चित रूप से उस मशीन में टैंपरिंग हुई है तो ये सावधान रहना है इस बात को कि जब मशीन खुले टाइम वही होना चाहिए जब वो खुले ठीक दूसरा सीरियल नंबर अब इसका नोट करोगे सीरियल नंबर वही होना चाहिए क्योंकि सीरियल नंबर ऊपर है जैसे मैंने आपको सीरियल नंबर इज कंट्रोल यूनिट नंबर कंट्रोल यूनिट ऊपर भी लिखा है तो वही सीरियल नंबर होना चाहिए ठीक है ना कई बात क्या मैं कोई आरोप लगाता है कि भाई मशीन की डुप्लीकेशन भी हो सकती है तो अगर डुप्लीकेशन होगी तो डुप्लीकेट मशीन लाई जाएगी तो निश्चित रूप से वो टाइमिंग यहां अल, अलग होगा समझ गए ना वो टाइमिंग अलग होगा तो आपको पता चल जाएगा ये वो मशीन नहीं है हालांकि उसका नंबर सेम हो सकता समझ गए फिर आ जाओ आप दूसरे तो जब ये आप ये ऊपर से सब ठीक रहेगा तभी आप कहोगे कि आप अब रिजल्ट का बटन दबाइए तब रिजल्ट का बटन दबाएगा तो वहां आपको वो दिखेगा कि पोल पोल रिजल्ट, पोल रिजल्ट डेट, ठीक है ना वो आपको डेट आ जाएगी उसमें अंतर होगा ये पोल रिजल्ट डेट अगर ये है और पहले दिखाता है वो तो इसके भी फिर टैंपरिंग हुई है ठीक तो वो भी आपको पता चल जाएगा फिर आप क्या इस, फिर ये है पी एस टी एंड पीई टी दैट मीनस पोल एंड टाइम एंड पोल स्टार्ट टाइम तो वो भी आपको यहां मिल जाएगा पोल स्टार्ट टाइम पोल एंड टाइम और बाकी सीरियल नंबर वो मैच होना चाहिए बाकी तो वैसी बात नहीं और पोल टोटल वोट्स पोल्ड वो उसमें आ जाएगा मशीन में ही होगा तो आप उसको नोट कीजिए अगर आपके पास सेवनटीन सी फॉर्म है नहीं भी है तो आप नोट कर सकते हैं टोटल वोट पोल्ड और अगर काउंटिंग में कोई अंतर आता है तो फिर गड़बड़ी है तो ये सब चीजों के लिए All, all, all candidates and all um, political parties should be aware that this protocol must be followed, and that the time should be the time when the machine was opened. And if it shows some other time, then something is wrong. Serial number should be the same. If it's not the same, then something is wrong. And if the poll result also there is a difference in date. Then that means that somebody has tampered. Pole start time and pole end time is all reflected, and the serial number here must match with the serial number of the control unit.